बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर टीचर खैरुन्निसा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक ऑफ यूनिट नंबर 4। यूनिट 4 है आप लोगों के पास स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आप लोग अपने बुक्स ओपन कर दे सारे। ओपन योर बुक पेज नंबर 114। डबल 114 पेज आप लोग ओपन कर दें। यूनिट नंबर 4 है। आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे 4.5, नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज। आज का हमारा टॉपिक है कि हम लोग बॉन्डिंग के जो नेचर है उसके बारे में करेंगे कि मतलब लेट्स सपोज हम अगर देखें तो हमने मेजर टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग जो पढ़े थे तो वो आपके पास आयोनिक था, कोवलेंट था और मेटालिक बॉन्ड था। तो आज हम लोग उसी बॉन्डिंग को थोड़ा डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। जो प्रॉपर्टीज है मैं बार बार बता रही हूँ, इसकी एक्चुअली फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे हम लोग। आप लोग निकाल लें अपने बुक्स। सबसे पहले है आप लोगों के पास प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। यहाँ आप लोग देख लें पेज 114 पे है टॉपिक 4.5.1, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स के टिपिकल जो प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या होंगी, जिससे आप लोग पहचान सकते हैं कि आप लोगों के पास क्या होंगे, आयोनिक इन नेचर होंगे। स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आयोनिक बॉन्ड को, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड जिन कंपाउंड्स में पाया जाता है उन्हें ही हम लोग आयोनिक कंपाउंड्स ही कहते हैं। अब आयोनिक बॉन्ड कहते किसे हैं, के तमाम ऐसे बॉन्डिंग जो कि आप लोगों के पास ऑपोजिटली चार्ज आयंस के दरमियान बन जाए तो उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। ये थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा आप लोगों को और हम आगे जो है इसका टॉपिक भी डिटेल से पढ़ लेंगे। आयोनिक बॉन्ड क्या है आप लोगों के पास, इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज आयंस, दैट इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। अब डिफिनेशन पे आ जाते हैं आयोनिक कंपाउंड्स की, के मीन आयोनिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं। अगर मैं जनरल आपको बताऊं तो हम लोग कहते हैं तमाम वो कंपाउंड जिसमें आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब डिफिनेशन जो आपकी बुक में मौजूद है कि आयोनिक कंपाउंड्स विच इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। इसका मतलब है कि आप लोगों के पास एक ऐसे कंपाउंड्स जो कि एक दूसरे के साथ उसमें एटम्स मौजूद हैं, लेकिन उन एटम्स ने एक दूसरे के साथ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, एक पॉजिटिव आयन है दूसरा नेगेटिव आयन है, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बना है उसको हम लोग आयोनिक बॉन्ड कहते हैं और इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। अब दूसरी डिफिनेशन भी हो सकती है। दूसरी डिफिनेशन आपके पास क्या है, आयोनिक कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। मतलब ये है कि आप लोगों के पास आयोनिक कंपाउंड तब भी बनता है जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, जब वो टू आयंस के दरमियान किसी भी कंपाउंड में पाया जाता है तो उसको हम लोग आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। आगे है इसके टिपिकल प्रॉपर्टीज। बहुत सारी टिपिकल प्रॉपर्टीज है आयोनिक कंपाउंड्स की, जिसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है आप लोगों के पास नेचर है, आयोनिक कंपाउंड्स का नेचर कैसे होता है। अब जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं, अगर हम लोग देखें सॉल्ट को, तो सॉल्ट में आप लोगों के पास है NaCl। NaCl में हम लोग कहते हैं सोडियम एंड क्लोराइड। सोडियम लूज इट्स इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन गेन द इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। अब वहां पे आप लोग देखें तो सोडियम, अगर हम लोग घरों में देखें सोडियम क्लोराइड को, तो वो आप लोगों के पास क्या है, वो आप लोगों के पास सॉलिड एट रूम टेम्परेचर है। अब वो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर है तो इसका मतलब है कि जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे आप लोगों के पास सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग वॉशिंग सोडा देख लें जो घरों में हम लोग यूज करते हैं, बेकिंग सोडा देख लें जो कि बेकरी आइटम्स के लिए यूज होते हैं, तो ये सारे के सारे आयोनिक इन नेचर है और ये सारे के सारे क्या है, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होते हैं। फिर अगला हम लोग देखें तो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में हम लोग कहते हैं कि आप लोगों के पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की अगर डिस्कशन की जाए तो आयोनिक कंपाउंड्स का हमेशा हाई रहता है। अब ये क्यों हाई रहता है,
आयोनिक कंपाउंड्स आप लोगों के पास क्या एट रूम टेम्परेचर है, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर है। अब जितनी भी सॉलिड चीजें होती हैं उसको मेल्ट करने के लिए हमेशा आप लोगों के पास ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो हमारे पास जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स है उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट हो या इसका बॉइलिंग पॉइंट हो दोनों हमेशा शार्प रहेंगे, तेज रहेंगे, ज्यादा रहेंगे, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहेगा इसका। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जाए तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सॉल्युबल इन, मीन आप लोगों के पास आयोनिक कंपाउंड्स किस चीज में सॉल्युबिलिटी शो कर सकते हैं। अब अगर हम लोग आयोनिक कंपाउंड्स के नेचर को देखें तो वो आप लोगों के पास क्या इन नेचर है, पोलर इन नेचर है। पोलर मींस उसमें पोल्स मौजूद हैं, एक आप लोगों के पास पॉजिटिव पोल है उसमें और दूसरा आप लोगों के पास नेगेटिव पोल है। अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल में आप लोग देखें तो ये मैंने आपको पहले ही समझाया था कि तमाम वो चीजें जिसमें टू पोल्स मौजूद होते हैं तो उसको हम लोग पोलर कहते हैं, उसको पोलरिटी कहते हैं। अब जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो हमेशा आप लोगों के पास अपने जैसे ही सॉल्वेंट्स में डिजोल्व होंगे जो कि क्या हो, जिसमें पोल्स बनते हो। फॉर एग्जाम्पल वॉटर, वॉटर में अगर आप लोग देखें तो पार्शल पॉजिटिव एंड पार्शल नेगेटिव चार्जेस मौजूद है। एक आपको मैं फिनोमेना समझा देती हूँ यहाँ पे, अब क्या गया है कि भाई लाइक डिजोल्व लाइक, मीन जो जैसा होता है वो अपने जैसे में ही डिजोल्व होता है। अब अगर आपके पास आयोनिक कंपाउंड्स पोलर इन नेचर है तो वो हमेशा आप लोगों के पास डिजोल्व भी किस में होंगे, पोलर सब्सटेंसेस में ही डिजोल्व होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल वॉटर है। हम लोग देखें तो जितना वॉशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है या फिर सॉल्ट ही हम लोग ले लें तो वो हमारे पास इजीली पानी में डिसॉल्व हो सकता है। अब आगे है आप लोगों के पास कंडक्शन, कि मीन आयोनिक कंपाउंड्स किस टाइप ऑफ कंडक्टर है। तो आयोनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स या हम लोग कहते हैं गुड इलेक्ट्रोलाइट्स है इन मोल्टन स्टेट एंड सोल्यूशन फॉर्म। ये पॉइंट अभी मैं समझाती हूँ। आप लोगों के पास आयोनिक कंपाउंड जो है वो बेहतरीन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का हमारे पास मतलब यहाँ पे है जो कि आप लोगों के पास किसी भी पानी में डाल, लेट सपोज आप लोग डाल दे तो वो आपको टू डिफरेंट आयंस देंगे। और एक बात याद रखे, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए दो बातें बहुत जरूरी है, अपने बुक पे अपने पास नोट कर लीजिए। कंडक्शन के लिए दो बातें बहुत जरूरी है, एक है आप लोगों के पास फ्री आयंस और दूसरा आप लोगों के पास है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मीन जिस चीज में आप लोगों के पास फ्री आयंस हो, फ्री आयंस मीन जो कि आप लोगों के पास कंप्लीटली डिसोसिएट हो, कंप्लीटली आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दे सके, तो उसको हम लोग फ्री आयंस कहते हैं। और दूसरा ये आप लोगों के पास क्या हो, फ्री आयंस होने के साथ साथ अगर वहां पे किसी दूसरी जगह पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है तो वहां भी बेस्ट कंडक्शन हो सकती है। अब आपको पता है कि जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो आप लोगों के पास गुड कंडक्टर्स इसलिए हैं क्योंकि वो गुड इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। सॉरी, वो आप लोगों के पास गुड इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, मीन वो आप लोगों के पास कंप्लीटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आपको दे सकते हैं अपॉन डिसोसिएशन या जब कभी भी उसको आप पानी में डिसॉल्व कर सकें। अच्छा, तो कहते हैं आप लोगों के पास, अब मैंने आपको बताया कि गुड कंडक्टर्स वो किस स्टेट में होंगे, गुड कंडक्टर के या तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्री होना जरूरी है या कंप्लीटली फ्री आयंस का होना जरूरी है। तो तब आप लोगों के पास चीजें जो है, कितने भी कंपाउंड्स हो वो आपके पास गुड कंडक्टर्स हो सकती हैं। अब आयोनिक कंपाउंड्स आपके पास गुड कंडक्टर इन मोल्टन एंड सोल्यूशन फॉर्म है। सोल्यूशन तो मैंने अभी आपको समझाया कि जब कभी भी आप लोग पानी में डालेंगे तो पानी में आपके पास आयोनिक कंपाउंड डिसोसिएट होकर टू आयंस दे देते हैं, एक होता है पॉजिटिव आयन, दूसरा होता है आप लोगों के पास नेगेटिव आयन। अब ये जो है सॉल्यूशन फॉर्म आप लोगों के पास कंडक्शन कर सकते हैं। दूसरा कभी आप लोगों ने देखा हो तो जितने भी नहर वगैरह है उसमें सॉल्ट मौजूद होते हैं, तो ये जितने भी मछली पकड़ने के लिए लोग हमेशा करंट करते हैं लोकल एरियाज में, वैसे करना नहीं चाहिए, लेकिन वो करंट इसलिए पास आउट होता है पानी से क्योंकि वहां पे आप लोगों के पास आयंस, फ्री आयंस मौजूद होते हैं। और मोल्टन स्टेट हम मेल्टेड स्टेट को कहते हैं, तो जब किसी चीज को मेल्ट कर दे तो वहां पे भी फ्री आयंस बन जाते हैं। अगला है आप लोगों के पास नॉन डायरेक्शनल। जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स में बॉन्ड्स होंगे वो सारे के सारे आप लोगों के पास नॉन डायरेक्शनल होते हैं।
अब नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या है? नॉन डायरेक्शनल मीन आप लोगों के पास अगर कोवेलेंट बॉन्ड को देखें तो वो आप लोगों के पास जब कभी भी बॉन्डिंग में चीजें बनाते हैं तो वो आप लोगों के पास डायरेक्शन होते हैं। जबकि यहाँ पे अगर आयनिक कंपाउंड्स को आप लोग देखें तो जब कभी भी हम इसको लेट सपोज पानी में ही डिजोल्व करते हैं तो पानी में डिजोल्व करने के बाद आप लोगों के पास ये क्या हो जाएंगे, इनका कोई डायरेक्शन नहीं रहता। मीन ये अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से एक दूसरे के साथ आए हैं। तो जब अट्रैक्टिव फोर्स एक दूसरे के साथ है, अगर लेट सपोज वो हट गए वो अट्रैक्टिव फोर्स, तो ये एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो मीन यहाँ जो बॉन्ड है वो आपको कोई डायरेक्शन नहीं शो कर सकता, ये आपके पास क्या है, नॉन डायरेक्शनल है। नॉन डायरेक्शनल मैं दोबारा बता देती हूँ कि जो आप लोगों के पास तमाम ऐसे कंपाउंड्स जिनमें आपके पास आयनिक बॉन्ड पाया जाता है जो कि अपॉन डिसोल्यूशन मीन जब पानी में आप इसको हल कर देंगे तो ये सेपरेट आयंस बना देंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो एज ए रिजल्ट वहां पे उन बॉन्ड्स का कोई डायरेक्शन नहीं होता, ये जस्ट एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो अब टूट जाएगा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, नॉन डायरेक्शनल है। अगर हम लोग रिएक्शंस को देखें तो रिएक्शंस आप लोगों के पास आयनिक कंपाउंड्स हैव रिएक्शन इन मोल्टन स्टेट और इन सॉल्यूशन फॉर्म। कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं वो आप लोगों के पास बेस्ट रिएक्शन दे सकते हैं, फास्ट रिएक्शन दे सकते हैं, लेकिन वो किस स्टेट में दे सकते हैं, वो आपके पास मोल्टन स्टेट हो सकता है या सॉल्यूशन फॉर्म। ये मैं अभी आपको डिटेल में आगे दोबारा भी समझा दूंगी कि क्यों यहाँ पे सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट को बार बार अहमियत दी जा रही है। अभी आगे इस पे मैंने एक टॉपिक तैयार किया जिससे आपको ये क्लियर भी हो जाएगा कि ये लोग कह रहे हैं कि हमारे पास जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हमेशा आप लोगों के पास क्या होंगे, वो बेस्ट रिएक्शन शो करेंगे, वो फास्ट रिएक्शन शो करेंगे, लेकिन हमेशा मोल्टन या फिर सॉल्यूशन फॉर्म में। मीन अगर उसको मेल्ट किया जाए या उसको पानी में डिसॉल्व किया जाए। कंपोजिशन अगर हम लोग देखें तो कंपोजिशन हमें पता है कि जितने भी कंपाउंड्स आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो आप लोगों के पास टू टाइप ऑफ आयन से मिल के बने होते हैं। एक उसमें होता है कैटाइन और दूसरा होता है एनाइन। मीन एक आप लोगों के पास पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आयनिक कंपाउंड में होगी और दूसरी आप लोगों के पास नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज में मौजूद होगी। दोनों ने मिलके एक अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से क्या बनाया होगा, एक क्रिस्टल बनाया होते हैं। उनका जो फॉर्म होता है क्रिस्टलाइन होता है, आप लोग सॉल्ट वगैरह देख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो आपकी बुक में एक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मौजूद है। मैं ऊपर चली यहाँ है जी, पेज 114 पे देखिए साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। द ग्रेटर द चार्जेस ऑन द आयंस ऑफ एन आयनिक कंपाउंड मीन आप लोगों के पास आयनिक कंपाउंड में जितने भी चार्जेस ज्यादा होंगे द हायर विल बी इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही हाई होगा। अभी हमने आपको बताया कि आपके पास जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं उसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। अब यहाँ देखिए तो यहाँ पे एक बात और भी आ गई है कि आप लोगों के पास जितना चार्ज ज्यादा होगा, चार्ज आपके पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की बात की जा रही है, कि जितने चार्जेस ज्यादा होंगे आयनिक कंपाउंड्स में उतना ही उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल आगे देखिए तो फॉर दिस रीजन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO को कहते हैं जिसमें Mg पे प्लस टू है और ऑक्सीजन पे माइनस टू है, इज 2800। मीन आप लोगों के पास मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उसका हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या है, 2800 है डिग्री सेंटीग्रेड, जो बहुत ज्यादा है। सो इट कैन बी यूज एज रिफ्रेक्टरी मटीरियल फॉर लाइनिंग ऑफ फर्नेसेस। ये आप लोगों के पास जितने भी ब्रिक्स वगैरह बनाते हैं, ब्रिक्स आप लोग जानते हैं ये जितने भी बटियां होती हैं जिसमें ईंटें बनाई जाती हैं, तो वहां पे आप लोगों के पास इसको यूज करते हैं, उस मटेरियल में यूज करते हैं ताकि आप लोगों के पास जितने भी ईंटें वगैरह बनाई जा सके वो ताकि थोड़ी सी सख्त हो। वहां पे आप लोग देखें तो वो उस आग में बहुत देर रहती हैं वो ईंटें। अगर लेट सपोज गर्ल्स ने, मुझे नहीं पता देखी होंगी कि नहीं, लेकिन बॉयज अमूमन फिरते हैं तो उनको पता होगा कि जितने भी ये बटियां रास्ते में नजर आती हैं जिसमें ईंटे पक के बनती है, तो वहां पे उसमें हमारे पास उस रिफ्रेक्टरी मटेरियल में मैग्नीशियम ऑक्साइड को डालते हैं। वो मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्यों डालते हैं, ताकि वहां पे आप लोगों के पास जितने भी ये ब्रिक्स वगैरह बन सके उसकी लाइनिंग हो सके, फर्नेसिस की जो लाइनिंग है उसमें हो सके, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है मेल्टिंग पॉइंट का, 2800 है। जबकि अगर हम लोग घरों में पानी को देख लें तो पानी आप लोगों के पास
2800 तक तो आपके पास बॉइलिंग उसकी नहीं जाती ना, वो बल्कि वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप लोगों के पास क्या हो जाएगी, वो आप लोगों के पास बॉयल हो जाता है। अगर हम लोग वैसे भी वाटर का मेल्टिंग पॉइंट भी देख लें तो वो भी आप लोगों के पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि 2800 डिग्री सेंटीग्रेड से काफी दूर है। अब आगे जाएंगे, आगे हमारे पास है कोवेलेंट कंपाउंड्स। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज में जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि व्हाई इट इज नेसेसरी कि आपके पास आयोनिक कंपाउंड्स गुड इलेक्ट्रोलाइट है मोल्टन स्टेट में या फिर सोल्यूशन फॉर्म में, क्यों हम बार बार इसका नाम ले रहे हैं, तो वो भी समझाती हूँ। यहाँ पे आप लोगों के पास इस पे वैसे बोर्ड में क्वेश्चन भी आते हैं कि आयोनिक कंपाउंड्स आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स इन मोल्टन स्टेट और इन सोल्यूशन फॉर्म, बट व्हाई नॉट इन सॉलिड स्टेट। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास आयोनिक कंपाउंड जो है वो गुड इलेक्ट्रोलाइट्स है मेल्टेड स्टेट में भी और सॉल्यूशन फॉर्म में भी, लेकिन ये आप लोगों के पास सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं है। अब आयोनिक कंपाउंड अभी हमने पढ़ा कि आप लोगों के पास ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज आयंस के दरमियान होता है, उनमें जो भी बॉन्ड है जो आयोनिक बॉन्ड है उसके कंपाउंड को हम लोग कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। अब यहाँ अगर हम लोग देखें मोल्टन एंड सोल्यूशन स्टेट को कि क्यों ये आपके पास बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका रीजन देख लेते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स इन मोल्टन एंड सोल्यूशन स्टेट बिकॉज आपके पास कह रहे हैं कि ये गुड इलेक्ट्रोलाइट है मोल्टन स्टेट में भी एंड सोल्यूशन स्टेट में भी। आखिर क्यों? क्योंकि आप लोगों के पास आयोनिक कंपाउंड्स फ्यूज स्टेट हो, फ्यूज स्टेट मीन आपके पास ये मोल्टन स्टेट, मोल्टन एंड फ्यूज स्टेट आप लोग एक कंसिडर कर दे, मेल्टेड स्टेट को कहते हैं कि मीन आप लोगों के पास ये अगर मेल्टेड स्टेट में हो या फिर आप लोगों के पास अगर हम लोग इसको पानी में डिसॉल्व कर दें तो ये हमेशा आपको टू ऑपोजिटली चार्ज आयंस देगा, एक आपके पास पॉजिटिव आयन होगा दूसरा आप लोगों के पास नेगेटिव आयन होगा। मैं रिपीट कर देती हूँ कि आपके पास आयोनिक कंपाउंड जो है वो गुड इलेक्ट्रोलाइट्स है या गुड कंडक्टर्स है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो सिर्फ दो स्टेट में है, क्यों है, मोल्टन एंड सोल्यूशन स्टेट में। वो इसलिए क्योंकि आप लोगों के पास मोल्टन स्टेट हो या फिर सॉल्यूशन स्टेट में हो, मीन आपने नमक को लिया या तो उसको पानी में मिक्स कर दिया या फिर आपने उसी नमक को मेल्ट कर दिया, तो इन दोनों स्टेट में आप लोगों के पास वहां फ्री आयंस बनते हैं, वहां इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज आयंस वो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो वहां आपके पास फ्री आयंस बन जाते हैं। एक आपके पास होता है पॉजिटिव आयन, दूसरा आप लोगों के पास होता है नेगेटिव आयन। अब ये जो कंप्लीटली जो आयनाइजेशन हो गई है, मीन एक पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बन गया है, तो मैंने आपसे कहा था कि गुड कंडक्टर्स के लिए या कंडक्शन के लिए कौन सी चीज जरूरी है, या तो फ्री आयंस जरूरी है या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे आपके पास फ्री आयंस बन गए हैं टू, जो कि एक है पॉजिटिव आयन और दूसरा आप लोगों के पास है नेगेटिव आयन। तो इस कंडीशन में फिर आप लोगों के पास आयोनिक कंपाउंड्स हमेशा क्या करते हैं, हमेशा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। अब आगे है एग्जांपल्स। एग्जांपल्स अगर हम लोग देखें तो कैल्शियम क्लोराइड, या उसको आप लोग अगर छोड़ दें तो सोडियम क्लोराइड जो कि वेल नोन है, टेबल सॉल्ट, तो ये दोनों अगर हम लोग पानी में जब कभी भी डिजोल्व करते हैं या फिर इसको क्या करें मेल्ट करें, हीट करके इसको मेल्ट कर दे, तो आपके पास टू ऑपोजिटली चार्ज आयंस बनते हैं। एक आपके पास होता है कैल्शियम आयन Ca++ और दूसरा आपके पास होते हैं क्लोराइड आयंस। फिर अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड को ले लें और उसको हम लोग या तो मेल्ट करें या फिर हम लोग इसको क्या करें डिसॉल्व करें इन एक्वस सोल्यूशन, तो आपके पास एक सोडियम आयन बनेगा Na+ और दूसरा आपके पास क्लोराइड आयन बनेगा Cl-, और यही फ्री आयंस आप लोगों के पास कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। अच्छा जी, अब दूसरा इसका दूसरा पार्ट था इस क्वेश्चन का कि आपके पास अगर आयोनिक कंपाउंड्स बेस्ट है किस स्टेट में, मोल्टन एंड सोल्यूशन फॉर्म में, तो ये क्यों सॉलिड स्टेट में नहीं है। अब सॉलिड स्टेट की बारी आई है, कह रहे कि आपके पास आयनिक कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बिकॉज आयनिक कंपाउंड्स अरेंज इन क्रिस्टल लैटिस, इन्होंने हमेशा क्रिस्टल्स बनाए होते हैं, एंड इन सॉलिड फॉर्म नो आयंस एग्जिस्ट। हमेशा आप लोग याद रखें कि जब कभी भी सॉलिड फॉर्म में आपके पास मौजूद है आयनिक कंपाउंड्स तो वहां पे आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि वीक नहीं है, वो बिल्कुल एक दूसरे के करीब है, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग है।
जब ये एक दूसरे के करीब ये आयंस है तो वहां पे तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तो वीक नहीं है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। एज अ रिजल्ट वहां कोई आयंस नहीं बनेंगे। जब आयंस नहीं बनेंगे तो वहां कभी भी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए आयंस जरूरी है या इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है। यहाँ पे आपके पास ना तो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है ना यहाँ पे आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड फॉर्म इन आयनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। तो इसलिए आप लोगों के पास जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो बैड इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं इन सॉलिड फॉर्म। कंक्लूजन इसका ये है कि आयोनाइजेशन के बिहाफ पे हम लोग कहते हैं कि आपके पास आयोनिक कंपाउंड जो है वो गुड इलेक्ट्रोलाइट है या फिर बैड इलेक्ट्रोलाइट है। अगर आप लोगों के पास ये आयोनाइजेशन कंप्लीट करता है मीन पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन तो फिर ये आप लोगों के पास क्या होगा, गुड इलेक्ट्रोलाइट होगा। बट इन केस अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और यहाँ पे आप लोगों के पास ऑपोजिट चार्ज आयंस नहीं बने तो क्या होगा, यहाँ पे आपके पास दे विल बी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। अब आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स पेज 114 पे भी है और इसका हाफ पार्ट आपके पास पेज 115 पे है। पेज 114 पे आप लोगों के पास हम लोग स्टार्ट लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स को हम लोग मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स भी कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि आप लोगों के पास हमेशा एक बात याद रखें, मॉलिक्यूल और कंपाउंड में डिफरेंस ये है कि आप लोगों के पास मॉलिक्यूल कंपाउंड हो सकता है बट कंपाउंड मॉलिक्यूल नहीं हो सकता। मीन आप लोगों के पास कंपाउंड भी दो तरह के होते हैं, एक आयोनिक होते हैं एक मॉलिक्यूलर होते हैं। अब आयोनिक कंपाउंड्स वो वाले कंपाउंड्स होंगे जिसमें आप लोगों के पास आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है एंड जो आपके पास दूसरा जो हमारे पास है कोवेलेंट कंपाउंड्स, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स आप लोगों के पास तमाम वो वाले होंगे जो कि आपके पास कोवेलेंट बॉन्डिंग रखते हैं। और मैंने आपसे कहा कि तमाम वो चीजें जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होता है उनको हम हमेशा मॉलिक्यूल कहते हैं। आई एम रिपीटिंग माई सेंटेंस, आप लोग गौर से सुन ले। कोवेलेंट कंपाउंड्स हमारे पास हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से एग्जिस्ट करते हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड जिन कंपाउंड्स में पाया जाता है उनको कोवेलेंट कंपाउंड्स तो कहते हैं लेकिन साथ में उनको हम हमेशा मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स भी कहते हैं क्योंकि आपके पास हमेशा मॉलिक्यूल में ही कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। ये अपने पास नोट कर लें कि मॉलिक्यूल में हमेशा कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसलिए हम लोग जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं उसको कोवेलेंट कंपाउंड्स भी कहते हैं। अब आगे अगर हम लोग जाए तो आगे हमारे पास है कि हमारे पास जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स है इसकी प्रॉपर्टीज डिपेंड किन चीजों पे करती है। सबसे पहले है आप लोगों के पास ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ मॉलिक्यूल मीन आप लोगों के पास जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल आते हैं, हमने पढ़े भी थे, बेंट थे, ट्राइगोनल थे, टेट्राहेड्रल थे, आप लोगों के पास पायरामिडल थे। अगर आपको याद हो हमने अमोनिया, वाटर, हाइड्रोजन सल्फाइड इन सब के हम लोगों ने शेप्स पढ़े थे। तो कह रहे हमेशा कोवेलेंट कंपाउंड्स या फिर आप लोगों के पास मॉलिक्यूल्स ही हमेशा आपको ज्योमेट्रिकल शेप देंगे। उसके अलावा अगर हम लोग सेकंड पॉइंट पे जाए तो सेकंड पॉइंट में है आप लोगों के पास पोलरिटी। पोलरिटी हमेशा आप लोगों के पास कोवेलेंट कंपाउंड्स में मौजूद होगी। कोवेलेंट कंपाउंड्स में पोलरिटी मीन्स आपके पास पार्शियल पॉजिटिव साइन पार्शियल नेगेटिव साइन मौजूद होते हैं। तो इसलिए जब कभी भी किसी चीज में टू पोल्स मौजूद हो या फिर वो आप लोगों के पास डायपोल इन नेचर हो तो वहां पे आपके पास हम कहते हैं पोलरिटी इस फेनोमेना को कहते हैं जहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करते हो। तो यहाँ पे आप लोगों के पास जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स है वो क्या है, वो पोलरिटी का फेनोमेना फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद दूसरा जो है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर हम लोग देखें तो आपके पास जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स है हमेशा उनमें ही इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो एग्जिस्ट करती है। जो हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, जो डायपोल डायपोल हो गया, ये हमेशा आप लोगों के पास किस में एग्जिस्ट करते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स में या फिर मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करते हैं। थर्ड वन है आप लोगों के पास
बॉन्ड टाइप मीन आप लोगों के पास कभी भी सिंगल डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये हमने आयोनिक में नहीं पढ़े, मेटेलिक में नहीं पढ़े, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के पास कौन से कंपाउंड्स में पाए जाते हैं, ये आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड्स में पाए जाते हैं, मीन मॉलिक्यूल्स आप लोगों के पास उसमें सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, या फिर आप लोगों के पास ट्रिपल भी हो सकता है। तो मीन आपके पास जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज है वो आप लोगों के पास डिपेंड करती है तीन बेसिक पॉइंट्स पे। मीन आपके पास इन मॉलिक्यूल्स का हमेशा ज्योमेट्रिकल शेप होगा, ट्राइगोनल हो गया, पायरामिडल हो गया, लीनियर हो गए हैं, तो ये इसमें हमारे पास क्या होंगे, इसके शेप्स का होना जरूरी होता है। फिर इसके अलावा हम लोग कहते हैं इसमें पोलरिटी एग्जिस्ट करती है, पार्शल पॉजिटिव एंड पार्शल नेगेटिव साइन होते हैं। उसके अलावा इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी एग्जिस्ट करती हैं, जो कि आप लोगों के पास हाइड्रोजन बॉन्ड डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास बॉन्ड जो है वो भी थ्री टाइप्स के हो सकते हैं, मे बी सिंगल, मे बी डबल, मे बी ट्रिपल। अब आगे जाएंगे तो आगे इसकी टिपिकल प्रॉपर्टीज को करते हैं। इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स है वो आप लोगों के पास अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। सबसे पहले इसमें आता है फिजिकल स्टेट। आयनिक कंपाउंड्स में एक्चुअली आप लोगों के पास थ्री फिजिकल स्टेट एग्जिस्ट करते हैं, जो तीनों है वो तीनों के तीनों इसमें पाए जाते हैं। जैसे कि अभी हमने लास्ट जो आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी, तो उसमें हमने कहा कि आप लोगों के पास आयनिक कंपाउंड्स में हमेशा सॉलिड स्टेट में ये लोग एग्जिस्ट करते हैं। जबकि अगर मैं अभी कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करूं तो कोवेलेंट कंपाउंड्स तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड में भी है, गैसेस में भी है, और इसके अलावा ये आप लोगों के पास लिक्विड में भी एग्जिस्ट करता है। चलिए एग्जांपल्स में देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी कहते हैं। और इसके अलावा HCl जो है उसके अंदर कौन सा है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। अगर आगे देखें तो आगे आप लोगों के पास कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड आर गैसेस, मीन आप लोगों के पास कार्बन डाइऑक्साइड भी कोवेलेंट कंपाउंड है और इसमें आपके पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो आपके पास ये तो होगी गैसेस के एग्जांपल। इसके अलावा आप लोगों के पास नाइट्रोजन गैस भी हो सकता है, हाइड्रोजन गैस भी हो सकता है, और इसके अलावा आपके पास जो ऑक्सीजन है वो भी गैस इन नेचर है। अब लिक्विड की बात की जाए तो लिक्विड में आप लोगों के पास है वॉटर। वॉटर इज अ वेल नोन एग्जाम्पल फॉर यू पीपल। H2O जो है उसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। बाय शेयरिंग बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड उसको कहते हैं। अब यहाँ आपके पास पानी को अगर हम लोग देखें तो ये लिक्विड इन नेचर है, तो मतलब ये है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स किसी एक स्टेट तक महदूद नहीं है, ये गैसेस भी हो सकती है और ये आपके पास लिक्विड भी हो सकती है। उसके अलावा अगर हम लोग अल्कोहल्स को देख लें, इथेनॉल, जो मिथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गए हैं, ये सारे के सारे आप लोगों के पास क्या है, इसमें भी कोवेलेंट कंपाउंड है और यहाँ भी आप लोगों के पास ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। उसके अलावा अगर हम लोग इसको सिंपल देखें तो स्पिरिट वगैरह जितने भी हो गए हैं, तो आप लोग घरों में स्पिरिट तो देखा होगा, वो आपके पास लिक्विड इन नेचर होता है और वहां पे भी जो बॉन्ड पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब हम लोग करेंगे सॉलिड के लिए। अगर हम लोग ग्लूकोज को देख लें, C6H12O6, तो ग्लूकोज आप लोगों के पास क्या है, ग्लूकोज सॉलिड इन नेचर है। उसके अलावा अगर हम लोग शुगर को देख लें तो शुगर भी आप लोगों के पास सॉलिड इन नेचर होता है, दैट इज C12H22O11। मीन आप लोगों के पास यहाँ पे जो शुगर हो गया है या फिर ग्लूकोज हो गया है ये आप लोगों के पास सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं और इसमें भी आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड ही एग्जिस्ट करता है। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स कौन से फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, थ्री फिजिकल स्टेट्स में। ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और ये भी गैस भी हो सकते हैं। अब आगे है आप लोगों के पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में आप लोगों के पास, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में अगर हम लोग देखें तो कोवेलेंट कंपाउंड्स में हमेशा लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। अभी आपको मैंने जैसे एग्जांपल के थ्रू एक समझा भी दिया था कि मैग्नीशियम ऑक्साइड इज आयोनिक इन नेचर और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट था वो आप लोगों के पास 2800 था,
2800 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर हम लोग यहाँ वाटर को देख रहे हैं तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब है कि आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड जो है उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पाई जाती हैं। यहाँ पे आप लोगों के पास वो वीक भी हो सकती है, वो स्ट्रांग भी हो सकती है, बट वो इतनी स्ट्रांग नहीं हो सकती जितनी आप लोगों के पास टू ऑपोजिटली चार्ज आइंस में होती है। तो यहाँ पे हमेशा आपके पास जो मेल्टिंग पॉइंट होगा या बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हमेशा क्या होगा, कम होगा। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो आप लोगों के पास डायरेक्शनल के बॉन्ड आपके पास डायरेक्शनल है कि नहीं है। अगर शुरू में मैंने आपको भी डिस्कस किया कि जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं तो ये आप लोगों के पास ज्योमेट्रिकल शेप बनाते हैं। अब अगर ये ज्योमेट्रिकल शेप बना रहे हैं तो मीन ये है कि इसका ये आप लोगों के पास हमेशा जो कोवेलेंट बॉन्ड होंगे वो डायरेक्शनल होंगे। यहाँ पे ये बॉन्ड्स आप लोगों के पास डायरेक्शन शो करते हैं। इसको मैं क्लियर अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो आप लोगों के पास जितना भी वाटर है, वाटर में आप लोगों के पास कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, वाटर में आप लोगों के पास कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है और ये आप लोगों के पास हमेशा एक सेम्थ में मूवमेंट करते हैं। कभी पानी को फेंक के देखे तो वो आप लोगों के पास जा रहे होते हैं। तो ये जो कनेक्शन है बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से भी आया है, तो इसकी वजह से इसका बॉन्ड जो है वो क्या है, डायरेक्शनल हो गया है। अब आगे है हमारे पास नेक्स्ट वन, हमारे पास जो है वो हम बात करेंगे बॉन्ड की के बॉन्ड इसमें हमारे पास तीन टाइप्स का पाया जाता है, वो आप लोगों के पास सिंगल भी है, कोवेलेंट भी है, सॉरी सिंगल भी है, डबल भी है और ट्रिपल भी है। कंपोजिशन पे आ जाए तो कंपोजिशन में आप लोगों के पास है कि जितने भी क्रिस्टल ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो हमेशा मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं। अगर लेट सपोज मैं बात करूं तो ये क्रिस्टल्स हमारे पास जो ये वाली लाइन है ये हमारे पास किस चीज के लिए है, ये एक्चुअली आप लोगों के पास सॉलिड स्टेट के लिए है कि जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं अगर वो आपके पास सॉलिड स्टेट में है तो आप लोगों के पास क्रिस्टल्स बनाएंगे और वो आपके पास हमेशा मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करेंगे। या अगर हम लोग लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में भी आप लोगों के पास जो बहता हुआ पानी होगा उसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे। इसी तरह अगर हम लोग ग्लूकोज की बात करें तो बहुत सारे ग्लूकोज में आप लोगों के पास अगर मैं सिर्फ एक को उठाऊं तो वो आपके पास क्या, वो एक क्रिस्टल जो है वो C6H12O6 जो है मॉलिक्यूल हम उसको कहते हैं। फिर तो हम लोग कहते हैं आपके पास जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। फिर आगे है आप लोगों के पास रिएक्शंस। रिएक्शंस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स हमेशा स्लोअर देन आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई है। बस ये बात गौर से सुन ले कि रिएक्शन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स क्यों स्लोअर है देन आयोनिक कंपाउंड्स, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के पास कोवेलेंट कंपाउंड्स में हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों साइड से होती है तो एज ए रिजल्ट एक का दूसरे एटम को छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है रिएक्शन के जाने के लिए, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा। जबकि एज कम्पेयर टू हम लोग आयनिक कंपाउंड्स को देख लें तो आयनिक कंपाउंड्स आपको आसानी से किसी भी सोल्यूशन में आयंस दे सकते हैं, मीन वो आसानी से आप लोगों के पास डिसोसिएट होकर इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन जा सकते हैं। जबकि कोवेलेंट कंपाउंड्स आप लोगों के पास वाटर को देखने तो वाटर का हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो अलग अलग नहीं हो सकता। तो हम लोग कहते हैं आपके पास रिएक्शन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स जो है वो थोड़े से स्लोअर होते हैं एज कंपेयर टू आयोनिक कंपाउंड्स। अगला है आप लोगों के पास सॉल्युबल इन। आयोनिक कंपाउंड्स हमेशा आप लोगों के पास किस चीज में सॉल्युबल होते हैं, अगर ये पोलर है तो पोलर में होंगे, अगर नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में होंगे। मैं टर्म क्लियर करा देती हूँ। मैंने आपको फिनोमेना अभी स्टार्ट में ही बताया, लाइक डिसॉल्व लाइक का फिनोमेना। लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब है कि जो जैसा है वो उसी चीज में ही डिसॉल्व होगा। अगर उसका नेचर पोलर है तो वो आपके पास पोलर चीजों में डिसॉल्व होगा, लेकिन अगर उसका नेचर पोलर नहीं है तो वो कभी भी पोलर चीज में डिसॉल्व नहीं हो सकता। मैंने आपको एग्जाम्पल उसमें दी कि अगर हम लोग नमक को डालें पानी में तो वो उसमें डिसॉल्व हो सकता है। तो इसका मतलब है कि पोलर चीज पोलर में डिसॉल्व हो रही है। बट अगर हम लोग देखें ऑयल को तो ऑयल आप लोगों के पास पोलर नहीं है, उसमें जो बॉन्ड पाया जाता है वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इसके लिए हम लोग उस कंपाउंड को हमेशा क्या कहेंगे, नॉन पोलर कंपाउंड कहेंगे। तो ऑयल आपके पास नॉन पोलर है,
और अगर हम लोग इसको वाटर में डाल दें जो कि पोलर इन नेचर है, तो आप लोगों के पास उसमें कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि जो फिनोमेना है लाइक डिसॉल्व लाइक का, ये इसको कभी भी फॉलो नहीं करते, क्योंकि लाइक अगर हम लोग देखें तो वो पोलर होना चाहिए अगर वो पोलर में डिसॉल्व हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों के पास वो नॉन पोलर ऑयल है और वो कभी भी पोलर वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। चलिए इस पॉइंट को देख लेते हैं। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, अल्कोहल। अल्कोहल एंड वाटर आपके पास पोलर है, तो जितने भी पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स होंगे वो हमेशा इसमें डिसॉल्व हो सकते हैं। बट कोवेलेंट कंपाउंड्स आपके पास नॉन पोलर भी हो सकते हैं, तो अगर नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स है तो वो हमेशा आपके पास नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्व होंगे। सॉल्वेंट्स मीन आपके पास जिस चीज में डिसॉल्व होना है उसको, तो वो आपके पास नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कौन से हैं? बेंजीन है, एसीटोन है आप लोगों के पास, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये सारे के सारे आप लोगों के पास क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है। अब बेंजीन को देखें तो C6H6 है, एसीटोन आप लोगों के पास C3H6O है, जबकि कार्बन टेट्राक्लोराइड आप लोगों के पास CCl4 है। तो आप लोगों के पास जितने भी कंपाउंड्स हैं अगर वो पोलर है तो पोलर में डिसॉल्व होंगे, क्योंकि कोवेलेंट का नेचर दो तरह का है, या तो ये पोलर बॉन्ड्स बनाते हैं या नॉन पोलर। तो अगर पोलर है तो पोलर बॉन्ड्स में कोवेलेंट कंपाउंड्स में डिसॉल्व होंगे, लेकिन अगर नॉन पोलर है तो वो हमेशा नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स में डिसॉल्व होंगे। आप अपने बुक में इसको अंडरलाइन कर दे, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट MCQ है कि कौन सा आप लोगों के पास नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो उसमें आपके पास बेंजीन या इस एसीटोन या कार्बन टेट्राक्लोराइड में कोई आ सकता है। अब आगे हम लोग आज का एग्जाम्पल होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क आप लोगों का आज का है, आगे हम लोग कल इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। होमवर्क आज का है हमारे पास, डू प्रैक्टिस ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ यूनिट 4। हमने लिविंग स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स, डॉट एंड बार स्ट्रक्चर्स, तो आप लोग जो है घर में उस पर प्रैक्टिस करें, क्योंकि वेरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो जरूर प्रैक्टिस करें उस पर। जुबैर क्वेश्चन पूछे बच्चे आप, हाँ सर आप क्वेश्चन पूछे बच्चे, कोई क्वेश्चन है तो पूछे आप लोग। जी बच्चे पूछे, आपके पास आयनिक कंपाउंड जो है वो अच्छी से कंडक्शन बिजली की कर सकता है जब वो आपके पास मोल्टन स्टेट में हो या सोल्यूशन स्टेट में हो, जबकि वो आपके पास कभी भी अच्छी कंडक्शन नहीं कर सकता अगर वो सॉलिड स्टेट में हो। इसका रीजन हमारे पास ये है कि आयनिक जितने भी कंपाउंड्स हैं अगर उसको हम मेल्ट करें या फिर उसको हम पानी में डाल दें, सॉल्यूशन बनाएं उसका, तो वो हमेशा आपको आयंस देंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। लेकिन अगर हम लोग उसको सॉलिड स्टेट में देखें तो सॉलिड स्टेट में उसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से हिल नहीं पाते। तो जब हिलेंगे नहीं तो फ्री आयंस नहीं देंगे, वो आयंस मतलब मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। और जबकि बिजली कंडक्ट करने के लिए हमेशा हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स या तो मूवमेंट वाले चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉन्स के अलावा अगर नहीं है तो आयंस ऐसे होने चाहिए जो कि मूव कर सके। तो यहाँ पे सॉलिड स्टेट में तो आयंस मूवमेंट नहीं कर सकते, तो इसलिए वहां पे आयनिक कंपाउंड्स बैड कंडक्टर है, जबकि सॉल्यूशन एंड मोल्टन स्टेट में वो कर सकता है, तो इसलिए वहां पे मूवमेंट ऑफ आयंस हो सकती है, तो वो आपके पास गुड कंडक्टर्स है। एक और आप ऐसे क्वेश्चन पूछे। अस्सलामुअलैकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी बच्चे पूछें। मैम आपने कहा कि ऑयल नॉन पोलर है, तो क्या ये केमिकल कंपाउंड होते हैं? ऑयल केमिकल कंपाउंड है, और मैंने कहा ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर का मतलब है इसमें नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। बच्चे क्लियर हो गए आपको? कोवेलेंट बॉन्ड है लेकिन वो नॉन पोलर है, मीन इसमें पोल्स नहीं बनते।